वीडियो देखने से पहले डिस्क्लेमर को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। किन स्टॉक में निवेश करना चाहिए, किन स्टॉक से बचना चाहिए, कौन से स्टॉक हमें अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं, जानकारी लेने के लिए आप हमें मेल करिए, व्हाट्सएप करिए। हमारे प्लान्स आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में जाइए, रेजर पे लिंक पर क्लिक करके सर्विस को तुरंत एक्टिवेट कर लीजिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट अपडेट्स एंड न्यूज आपको मिल सके। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। अगर आप भी यूट्यूब चैनल क्रिएट करना चाहते हैं और हमारे साथ ग्रो करना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क करिए। हमारी कॉन्टेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट एंड सर्विस। अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं या कोई सर्विस देते हैं और आप अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं तो आप हमें एडवर्टाइजमेंट के लिए संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर एड दे सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर एड दे सकते हैं या अपनी खुद की वेबसाइट क्रिएट करा सकते हैं। हम आपकी पूरी टेक्निकल हेल्प करेंगे। आप हमें कॉन्टेक्ट करिए। हमारी कॉन्टेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। आज हम जिस कंपनी के बारे में आपको बताने वाले हैं वो है केपीआईटी। इस वीडियो के माध्यम से आपको केपीआईटी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी। क्या कारोबार है इनका, बिजनेस मॉडल क्या है, फ्यूचर ग्रोथ क्या है, क्या इनके स्टॉक में निवेश करना चाहिए, कितना रिटर्न मिलेगा, कब तक होल्ड करना पड़ेगा, एनालिस्ट की क्या राय है, ब्रोकरेज फर्म्स की क्या राय है, इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं, टेक्निकल कैसे हैं, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने जा रही है। यह वीडियो ना केवल उन लोगों के लिए जरूरी है जो कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हैं, बल्कि ये वीडियो सभी के लिए आवश्यक है जो टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, प्रोफेशनल हों, बिजनेसमैन हों या एक आम आदमी, सभी के लिए ये नॉलेज आवश्यक है। यह वीडियो सभी के लिए उपयोगी होने वाला है, चाहे वो हाउसवाइफ हों, कॉलेज स्टूडेंट्स हों, लड़का हो या लड़की हो, सभी के लिए इस वीडियो में कुछ ना कुछ है और वो आपको पता चल जाएगा अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। तो इस वीडियो को स्किप ना करें, आधा अधूरा वीडियो ना देखें, क्योंकि इसके आधार पर अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं तो वो गलत हो सकता है। तो कंप्लीट जानकारी लीजिए, उसके बाद ही आप इन्वेस्ट करिए। कुछ भी तरह का आपको कंफ्यूजन है, डाउट है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी कॉन्टेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे दी गई हैं। केपीआईटी आपके स्क्रीन के सामने इमेजेस फ्लैश हो रही हैं, इसके माध्यम से आप समझ गए होंगे कि एक कैसी कंपनी है। हाउ कार्स वुड ट्रांसफॉर्म इनटू कंज्यूमर डिवाइसेस फ्रॉम व्हीकल्स ऑफ मोबिलिटी। आज आप जानते हैं कि आज के समय में सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स हो रही हैं, ऑटोमेटिक हो रही हैं। आप जैसे व्हीकल्स का एग्जांपल लें, कार्स का एग्जांपल लें, तो ड्राइवरलेस कार बनाने का चल रहा है, बना भी ली गई है। कार्स में ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं जैसे कि रिमोट, सेंसर्स। तो ये सारी चीजें कौन बनाते हैं? ये सारी चीजें जो है ऑटो कंपनीज नहीं बनाती हैं, ये प्रोडक्ट्स जो हैं आईटी कंपनीज द्वारा मैन्युफैक्चर किए जाते हैं और ऑटो कंपनीज को सेल कर दिए जाते हैं। तो ऐसा ही काम जो है केपीआईटी करती है। टॉकिंग पॉइंट स्टार्टिंग नाउ, ये भी हम आपको बताएंगे, इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम आपको देने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। एक्सप्लोर सॉल्यूशन, तो क्या सॉल्यूशन देते हैं केपीआईटी, आपको ये जानना चाहिए। आपके सामने कई कार्स के मॉडल्स उपलब्ध हैं, आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब केपीआईटी जो है कार से रिलेटेड कई इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ऑटोनोमस ड्राइविंग एंड अडाज। ऑटोनोमस ड्राइविंग मतलब बिना ड्राइवर के कार चल सकती है और ऐसा कारनामा करके दिखाया है केपीआईटी ने। आपके सामने देखिए, ये कार है, कार चल रही है लेकिन इसमें ड्राइवर नहीं बैठा हुआ है, बिना ड्राइवर के ये कार चल रही है। तो ऐसा संभव हो सकता है टेक्नोलॉजी की मदद से, और ऐसी टेक्नोलॉजी बनाते हैं केपीआईटी। इलेक्ट्रिक एंड कन्वेंशनल पावर ट्रेन, आप देखते हैं कि
ये इलेक्ट्रिक कार है जो कि चार्ज हो रही है और पूरी तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक कार है क्योंकि सभी इसके सेंसर्स हैं, काम करते हैं, कितना चार्ज करना है वो पूरी इंफॉर्मेशन आपको डिस्प्ले बोर्ड से मिल जाती है। तो इस तरह के जो उपकरण हैं, ऑपरेटर्स हैं, KPIT बनाते हैं, कनेक्टेड व्हीकल्स। अगर ड्राइवरलेस कार होगी तो एक कार को दूसरे कार के बारे में पता होनी चाहिए कि वो कितनी दूरी पर है, जिससे कि एक्सीडेंट से बचा जा सके। और ये व्हीकल्स कनेक्टेड होने चाहिए एक दूसरे से। तो इस तरह से कनेक्शन जो है KPIT बनाते हैं, उपकरण बनाते हैं, इस तरह की वाईफाई बनाते हैं जिससे कनेक्ट सभी व्हीकल्स जो है एक दूसरे से कनेक्ट हो सके और जो ट्रैफिक है स्मूथ हो सके। व्हीकल डायग्नोस्टिक्स, आजकल व्हीकल्स पूरे तरह से कंप्यूटराइज्ड हो चुके हैं, तो उसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है व्हीकल में। वो हो सकती है प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर की, हार्डवेयर की, कई कंपोनेंट्स होते हैं, कई चिप्स होती हैं, माइक्रोचिप्स होती हैं, तो उनको डायग्नोस करने का काम कि इसमें किस तरह की समस्या है, ऐसे डायग्नोसिस करने का काम भी KPIT करते हैं। ऑटोसार, ऑटोसार के बारे में बताएंगे, ये भी ड्राइवरलेस कार है, काफी हाई स्पीड कार होती है जिसको कि कंप्यूटर ही कंट्रोल करता है, तो इस तरह की कार भी KPIT बनाते हैं। व्हीकल इंजीनियरिंग एंड डिजाइन, व्हीकल इंजीनियरिंग एंड डिजाइन के क्षेत्र में जो आज की आधुनिक कारें हैं ये पूरी तरह से बदल दी गई हैं, ये पूरी तरह से रोबोटिक हो चुकी हैं, कंप्यूटराइज्ड हो चुकी हैं, पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स सेंसर्स होते हैं इस कार्स में, तो इस आधुनिक कार को बनाने का काम भी KPIT करते हैं। ईटॉन हैज अनाउंस्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद फर्दिंग द विजन टूवर्ड्स क्लीनर मोबिलिटी। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के क्षेत्र में KPIT बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत योगदान है और दूसरी कंपनियों के साथ भी इन्होंने मिलजुल कर काम करना स्वीकार किया है। BMW सिलेक्ट KPIT एज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पार्ट। आप जानते हैं कि BMW की कार बहुत ही फेमस होती है, पॉपुलर होती है, महंगी होती है, अच्छी क्वालिटी की मानी जाती है, तो BMW जैसी कार ने KPIT को सिलेक्ट किया है कि आप हमारे कार के लिए सॉफ्टवेयर बनाइए। KPIT प्लस कोवेंट्री यूनिवर्सिटी लर्निंग एट KPIT। तो KPIT और कोवेंट्री यूनिवर्सिटी ने आपस में टाई अप किया है नॉलेज शेयरिंग के लिए, रिसर्च शेयरिंग के लिए। एक्सप्लोर लाइफ एट KPIT जर्मनी। KPIT जर्मनी में भी है, अपनी सेवाएं दे रहे हैं और वहां की अगर आप लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ से आप जान सकते हैं। न्यूज रूम है यहाँ पर KPIT FY22 क्वार्टर थर्ड के रिजल्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं। KPIT Q3 फाइनेंशियल ईयर 22 USD रेवेन्यू ग्रो 20%। तो आपको जानकर खुशी होगी कि इनके रेवेन्यू जो है 20% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुए हैं और नेट प्रॉफिट ग्रोथ जो है 67.6% है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टर हैं तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा, और अगर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तब भी आपको इसमें फायदा होगा कि क्योंकि इस कंपनी में बहुत ग्रोथ नजर आ रही है, क्योंकि ये फ्यूचर पर काम कर रही है, फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। KPIT एंड डी स्पेस टीम अप फॉर स्मार्ट चार्जिंग सोल्यूशन फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए स्मार्ट चार्जिंग सोल्यूशन तैयार करने का काम कर रहे हैं, तो कई अच्छे प्रोजेक्ट इनके पास है। KPIT, DSpace एंड माइक्रोसॉफ्ट टीम अप टू ऑफर अ सोल्यूशन फॉर द होमोगेशन ऑफ ऑटोनोमस व्हीकल्स। जो ऑटोनोमस व्हीकल है जैसे ड्राइवरलेस कार, बिना ड्राइवर के जो कार चलेगी, उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट टीम ने KPIT और DSpace के साथ सोल्यूशन तैयार करने का कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ KPIT के कॉन्ट्रैक्ट हैं, जिसको देख कर लगता है कि डेफिनेटली जो KPIT का फ्यूचर बहुत ही सुनहरा है। तो ये थी ट्रेडर और इन्वेस्टर्स के लिए न्यूज। और अगर आप स्टूडेंट हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं और आप अपना करियर तलाश रहे हैं तो KPIT में आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो करियर कॉलम में देखिए कौन कौन सी जॉब
वैकेंसी है जहां पर आप अपने लिए जॉब पा सकते हैं। अ प्लेस फॉर कॉन्स्टेंट लर्निंग, अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, इंटर्न के रूप में ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे कि वर्क ऑन कटिंग एज टेक्नोलॉजी प्रोग्राम अक्रॉस ऑटोनोमस कनेक्टेड इलेक्ट्रिक साइबर सिक्योरिटी ओटीए टेक्नोलॉजी ड्राइविंग मोबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसी चीजें आप ज्वाइन करके सीख सकते हैं। लाइफ एट केपीटीआई के बारे में यहाँ से जान सकते हैं। डू यू वॉन्ट टू बी ए पार्ट ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन, तो यहाँ से आप जानकारी ले लीजिए। आप अगर इसको ज्वाइन करना चाहते हैं केपीआईटी को, केपीआईटी इज अ ग्रेट प्लेस टू लर्न अक्रॉस मोबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी डोमेन्स, अप स्किल योर सेल्फ इन एन एनवायरमेंट डिजाइंड फॉर कॉन्स्टेंट लर्निंग। तो अगर आप कुछ नया टेक्नोलॉजी सीखना चाहते हैं या इसमें जॉब करना चाहते हैं या आप इसको फुल टाइम करियर के रूप में ऑप्ट करना चाहते हैं, तो केपीआईटी आपको ऑफर दे रहा है। आप इस कंपनी में अपना रेज्यूम भेजिए, सीखिए और एज ए करियर इसको आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन हमने बता दिए हैं कि कौन कौन से सॉल्यूशन तैयार करती है केपीआईटी, ऑटोनोमस ड्राइविंग एंड अडाज इलेक्ट्रिक एंड कन्वेंशनल पावर ट्रेन कनेक्टेड व्हीकल्स पर काम करते हैं, व्हीकल डायग्नोस्टिक्स पर काम करते हैं, ऑटो कार पर काम करते हैं, व्हीकल इंजीनियरिंग एंड डिजाइन पर काम करते हैं। तो बहुत अच्छी कंपनी है, फ्यूचर ग्रोथ भी होना है क्योंकि जमाना है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। अब हम आपको बताएंगे कि केपीआईटी के स्टॉक्स या शेयर में कैसे निवेश करें। तो आप हैं ग्रो की वेबसाइट पर, केपीआईटी टेक्नोलॉजी इसके शेयर प्राइस चल रहे हैं 623.50, एक दिन में 0.27% की तेजी है और ये सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है। वन वीक में इसने 3.02% का निगेटिव रिटर्न दिया है, वन मंथ में 2.69% का रिटर्न है, वन ईयर में देखिए 359.29% का रिटर्न दे दिया है, इसने कमाल का रिटर्न दिया है। एक साल में इतना शानदार रिटर्न दिया है। ग्राफ देखिए हमेशा ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, थोड़ी सी गिरावट होती है, फिर कुछ समय बाद पिछले गिरावट को रिकवर करके एक हायर प्राइस पर ट्रेड करने लगता है ये स्टॉक। थ्री इयर्स में 531.87% का रिटर्न दिया है और फाइव इयर्स में इसने शानदार रिटर्न दिया है 531.87% का रिटर्न। तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया है, पांच साल में आपके निवेश को 10 गुने से भी ज्यादा कर दिया है। अब हम इसका टेक्निकल चार्ट आपको दिखाते हैं और बताएंगे कि इसमें भी निवेश करना ठीक होगा कि नहीं होगा, क्या इसमें आपको ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करनी चाहिए या नहीं। तो स्टॉक देखिए 50 MA पर लॉन्ग टर्म में ट्रेड कर रहा है और ग्रो करता है और 50 MA को टच करने की कोशिश करता है और फिर ग्रो कर जाता है। तो 50 MA इसका जो है बहुत अच्छा सपोर्ट निकल कर आया है और ये है 200 MA की लाइन, तो 200 MA को तो इसने टच नहीं किया है। और जब भी इसमें एक अच्छा खासा वॉल्यूम बायर्स का नजर आता है तो आगे प्राइस में ग्रोथ होती है। यहाँ पर देखिए वॉल्यूम बहुत अच्छा है बायर्स का, तो आगे चलकर बहुत ग्रोथ देखने को मिली है। यहाँ पर भी ऐसा हुआ है। अब ये देखिए यहाँ पर स्टॉक में गिरावट जारी है और यहाँ पर एक हमें बाउंस बैक दिख रहा है, कंसोलिडेशन फेज दिख रहा है RSI में। तो आप इसमें और वेट कर सकते हैं और इसको आप 50 MA पर बाई करके चल सकते हैं। जब भी 50 MA पर सपोर्ट लेता है और ये प्राइस निकल कर आता है 584, तो जब भी ये स्टॉक आपको 584 पर मिलता है तो इसमें आप पोजिशन बना सकते हैं और ये स्टॉक अच्छे सपोर्ट पर आपको मिलेगा और इसमें एक बाउंस बैक आएगा और आपको टारगेट मिल सकते हैं 798 के शॉर्ट टर्म में टारगेट मिल सकते हैं, वहां पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब केपीआईटी टेक्नोलॉजी के बारे में हम और भी आपको जानकारी देने वाले हैं, जैसे कि इसका 52 वीक लो वारंट 30.10 है, 52 वीक हाई 801 है। तो 52 वीक हाई से इसमें बहुत बड़ी गिरावट हो चुकी है और आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। और एनालिस्ट का क्या मानना है इस स्टॉक के बारे में हम आपको बताएंगे। 67% एनालिस्ट बोल रहे हैं कि स्टॉक को खरीद कर चलिए, 17% होल्ड करने के लिए बोल रहे हैं, 17% सेल करने के लिए बोल रहे हैं। इस प्रकार से 67% बाइंग रेटिंग आती है इस स्टॉक में। 6 एनालिस्ट ने इस पर रिसर्च की है और ये सभी एनालिस्ट डेफिनेटिव से एग्रीगेटेड है। अब हम आपको इसके फंडामेंटल्स भी बताएंगे। मार्केट कैप जो है 16,780 करोड़ की है, पी रेशो बहुत हाई है इसका 115.10,
13.86, इंडस्ट्री भी 57.88, रिटर्न ऑन इक्विटी 12.96% की है, शानदार रिटर्न ऑन इक्विटी है, ईपीएस 9.07 है और डिविडेंड यील्ड 0.32% है, बुक वैल्यू 47.25 की है। फाइनेंशियल भी बताएंगे आपको, रेवेन्यू देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर तेजी से ग्रो हो रहा है, प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर तेजी से ग्रो हो रहे हैं, नेटवर्क भी तेजी से ग्रो हो रही है और ईयर ऑन ईयर भी नेटवर्क तेजी से ग्रो हो रही है, प्रॉफिट इनके ग्रो हो रहे हैं, लेकिन 2021 में थोड़ी सी कमी आई है इनके प्रॉफिट में, रेवेन्यू भी 2021 में थोड़े से इनके रेवेन्यू में गिरावट आई है। इनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन केपीआई टेक्नोलॉजी लिमिटेड के नाम से है, मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर किशोर पाटिल है, कंपनी स्थापित हुई थी 2018 में, एनएसई सिंबल है केपीआईटी टेक इनका एनएसई सिंबल है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स के पास 40.11% की होल्डिंग है, रिटेल एंड अदर्स के पास 28.17% की होल्डिंग है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास 20.38% की होल्डिंग है। टॉप म्यूचुअल फंड ने भी इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे कि यूनियन स्मॉल कैप फंड 3.92% की होल्डिंग है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड 3.15% की होल्डिंग है, एलएनटी एमर्जिंग बिजनेस फंड 2.38% की होल्डिंग है और एक्सेस स्मॉल कैप फंड के पास 1.95% की होल्डिंग है। बहुत अच्छे स्टॉक है, म्यूचुअल फंड ने भी इसमें इन्वेस्टमेंट करा है। और भी जानकारी आपको होना चाहिए, जैसे कि इस कंपनी में क्या इवेंट्स हो रहे हैं, तो डिविडेंड देने वाली है ये कंपनी, आपको पता होना चाहिए। 10 फरवरी 2022 एक्स डेट है इसकी, मतलब अगर 10 फरवरी तक ये स्टॉक आपके डीमैट अकाउंट में होगा तो आपको डिविडेंड मिलेगा 1.25 रुपीज का। और तो अगर आपको डिविडेंड चाहिए तो आप इसमें स्टॉक को बाय करके चल सकते हैं, शानदार डिविडेंड मिलेगा आपको, 1.25 रुपीज का डिविडेंड मिल जाएगा। एक्स डेट है 10 फरवरी 2022 और इस डेट को ये स्टॉक आपके डीमैट अकाउंट में होना चाहिए। बोनस राइट एंड से कोई न्यूज नहीं है, डिविडेंड की न्यूज मैंने आपको बता दी है, पिछली बार भी इन्होंने 1.5 रुपीज का डिविडेंड दिया था, क्या न्यूज निकल कर आ रही है, आपको जानना चाहिए इस स्टॉक के बारे में। KPIT Technology consolidated net profit rise 67.61% in the December 2021 quarter. So December 2021 के quarter में इनका जो consolidated net profit है वो 67.61% तेज हुआ है, growth की है, ये बहुत ही अच्छी खबर है इस stock के लिए। Definitely ये stock price में reflect होगी और stock price में एक अच्छा उछाल देखा जा सकता है। अब हम इसका टारगेट बता दें आपको, तो एक साल में क्या टारगेट मिल सकता है हम आपको बताएंगे। करंट मार्केट प्राइस है 623 और वन ईयर फोरकास्ट है 1156.60 INR, मतलब एक साल में इसका जो स्टॉक प्राइस है लगभग डबल हो सकता है, 100% रिटर्न आपको एक साल में मिल सकता है, बहुत अच्छी खबर है आपके लिए। और 5 इयर्स में जो फोरकास्ट है 3250 रुपीज का है, इसका मतलब ये स्टॉक 5 साल में 5 गुना हो सकता है, तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है। केपीआई टेक्नोलॉजी लिमिटेड स्टॉक की एन ऑसम लॉन्ग टर्म 1 ईयर इन्वेस्टमेंट, केपीआईटी स्टॉक आर अपडेटेड एवरी 5 मिनट्स विद लेटेस्ट एक्सचेंज प्राइसेस बाय स्मार्ट टेक्निकल मार्केट एनालिसिस, तो बहुत अच्छा स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए, एक साल में आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, 5 साल में भी अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, आप इसमें निवेश कर सकते हैं। बहुत अच्छा फोरकास्ट दिया गया है केपीआईटी टेक्नोलॉजी के बारे में, इसके फाइनेंशियल बहुत अच्छे हैं और Q3 के रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं, डिविडेंड भी देने वाली है, सोने पर सुहागा है, आप इस स्टॉक को बाय करके चल सकते हैं। किन स्टॉक्स में निवेश करके आपको बढ़िया मुनाफा हो सकता है, जानने के लिए आप हमें मेल और व्हाट्सएप करिए, हमारी ईमेल आईडी और व्हाट्सएप आपकी स्क्रीन के सामने है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, रेजर पे लिंक पर क्लिक करके सर्विस को एक्टिवेट कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स स्टॉक मार्केट की आपको मिलती रहे, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। अगर आप भी यूट्यूब चैनल क्रिएट करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, तो आप हमसे टेक्निकल हेल्प ले सकते हैं, हेल्प पाने के लिए, सपोर्ट पाने के लिए आप हमें कॉन्टेक्ट करिए, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट एंड सर्विस, अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं या कोई सर्विस देते हैं तो आप हमारी
हमारे चैनल में ऐड दे सकते हैं अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए, एडवर्टाइज करने के लिए। आप हमें संपर्क करिए, हमारी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं।